इल्म हासिल करने के बाद उसके अंदर कुछ क्वालिटीज आनी चाहिए ना मेरे भाइयों मेरी बहने, तो हम वो क्वालिटीज की बात अब करने वाले हैं। हाँ, पॉइंट नंबर 9, 10 और 11। 9 नंबर चीज, इल्म हासिल करने के बाद एक इंसान के अंदर तवाज़ो आना चाहिए, हम्बलनेस आनी चाहिए। हाँ, घमंड नहीं आना चाहिए। अगर घमंड आ गया देखो कुछ गड़बड़ है। जैसे कुछ लोगों को जब कुछ इल्म मिल जाता है ना, वो लोग दूसरे को घमंड की नजर से देखने लगते हैं, तुम्हें क्या पता है, मुझे मालूम है। हाँ, अभी तुम्हें मालूम है तो किसने तुम्हें सिखाया? अल्लमल कुरान, अल्लाह सिखाता है। युफक्किहु फिद्दीन, अल्लाह दीन की समझ देता है। हाँ, इल्म कहां से मिलता है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, नहीं है कोई हरकत ना कुव्वत सिवा अल्लाह की तरफ से। तो हमारे अंदर ताकत है कि हम हासिल करेंगे, तो रब बना दिए अपने आप को। भाई हमें मिला है तो अल्लाह का एहसान है, अगर मिल जाएगा तो अल्लाह ने नेमत दी तुम्हें, तुम पर एहसान किया। तो इसके बाद में क्या हमारे अंदर तवाज़ो नहीं होना चाहिए, हम्बलनेस नहीं होनी चाहिए? देखो मेरे भाइयों मेरी बहनें, इल्म हासिल करो, उस रास्ते पर मेहनत से चलो, लगन से करो, हासिल करते रहो, सीखते रहो, लेकिन गुरूर और घमंड में नहीं पड़ना, क्योंकि गुरूर और घमंड अल्लाह को नहीं पसंद है। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना अबगदकुम इलैया, सबसे ज्यादा मेरा गजब और गुस्सा ऐसे लोगों पर है, सबसे ज्यादा गजब और गुस्सा इन लोगों पर है। कौन लोग? वअबदकुम मिन्नी मजलिसन यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन ये लोग मुझसे सबसे दूर होंगे। क़यामत के दिन इनको दूर रखा जाएगा मुझसे, क्योंकि आदमी अपने टाइप के लोगों के साथ होता है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइप के लोग नहीं है। वो कौन लोग है? अस्सरसारून वल मुतशद्दिकून वल मुतफहिकून। वो कौन है अस्सरसारून? बहुत ज्यादा बात करने वाले लोग। हाँ, वल मुतशद्दिकून, मुतशद्दिकून कौन है? ब्रैगार्ड जो होते हैं ना, जो बड़ाई मरते रहते खुद की, मैं बड़ाई बड़ाई बड़ाई, हाँ मुंह खोलते हैं तो अपनी बड़ाई। हाँ, ब्रैगार्ड जो होते हैं, अल्लाह ताला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मेरा सबसे ज्यादा गजब ऐसे लोगों पर है, इनको मुझसे दूर रखा जाएगा। वल मुतफहिकून, तो साहबा ने पूछा, कालू या रसूलुल्लाह कद अलिमनल सरसारून वल मुतशद्दिकून, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरसारून ज्यादा बात करने वाले लोग, वल मुतशद्दिकून ये बड़ा बड़ा ही मारते रहने वाले लोग, ये मालूम है हमको। वल मुतफहिकून फमा मुतफहिकून, ये मुतफहिकून कौन है? तो अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल मुतकब्बिरून, तकब्बुर करने वाले लोग। तकब्बुर करने वाले लोग है ना अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन पर बहुत गजब गुस्सा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे बहुत बुरे लगते हैं ये लोग। अब गदकुम इलैया, मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा मेरा इन लोगों पर है, और अब अदकुम मिन्नी, मुझसे सबसे दूर रखे आएंगे कयामत के दिन, सबसे दूर। मतलब तो सोच सकते हैं मेरे भाइयों, गजब और गुस्सा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन पर है, ये क्या है? ये बहुत बुरी चीज है, घमंड बहुत बुरी चीज है, तकब्बुर नहीं पड़ना है। फिर खाइए, ये गिर गए इसमें, तो इतना करके आए यहां तक आए, बाद में खाई में गिर गए आखिर में, तो ये बिल्कुल गलत हो गया, ऐसे नहीं होने देना। हाँ, और याद रखिए, मैं आपको एक बात प्यारी हदीस सुनाना चाहता हूं। ये हदीस के अंदर एक्चुअली 3 बातें दी है, उसमें से तीसरी बात हम देख रहे हैं, सही मुस्लिम की हदीस है। अगर आप ये हदीस देखेंगे, इसके अंदर तीनों चीजें जो है ना वो ऑपोजिट है लोगों की सोच के नजरिए में, लोगों की सोच के मुताबिक ऑपोजिट है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर शुरू में फरमाया, मा नकसत सदकतु मिन मालिन, सदके से माल कम नहीं होता। सदका दिए, आदमी देख रहा है 1 लाख रुपए थे, 10,000 सदका दिया तो 90,000 बचे, आंखें देख के बोल रही कम हो गया, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सदके से माल कम नहीं होता। हाँ, उसी हदीस का आखिरी हिस्सा है, वमा तवाज़ा अहदुन लिल्लाह इल्ला रफ़ाहुल्लाह, अगर कोई शख्स अल्लाह के लिए अपने आप को छोटा बनाता है, तवाज़ो इख्तियार करता है, अल्लाह उस शख्स को ऊंचा उठाता है, को अल्लाह के लिए अपने आप को छोटा बनाए तो अल्लाह उस शख्स को ऊंचा उठाता है। अब जैसे मिसाल के तौर पर लोग बोलते हैं, अरे मैं ही छोटा बनूं, हर बार मैं ही छोटा बनूं, तो बात क्या है ना कि अगर हम अल्लाह के लिए छोटे बनते, बोले जाओ तुम बड़े बनो मैं छोटा, नो प्रॉब्लम। हाँ, जो अल्लाह के लिए तवाजो इख्तियार करता है तो अल्लाह उस शख्स को क्या करता है? ऊंचा उठाता है। जो छोटा बनता है अल्लाह उसे ऊंचा उठाता है, ऑपोजिट है ना। सदका दिए, माल कम नहीं होता, नहीं होता, आंखें देख के बोल रही अरे कम हो गया, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं कम होता। उसी तरह जो अल्लाह के लिए तवाज़ो इख्तियार करता है अल्लाह उसे ऊंचा उठाता है। अल्लाह के लिए छोटे बनेंगे तो अल्लाह ताला बड़ा बनाएगा, ऑपोजिट चीज है। देखिए क्या है ना, इंसान की अकल यहां रुक जाती है कभी कभार, तो हमें ये बात हमारे लिए अच्छी है कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बस काफी, हमारे लिए हमारा भरोसा है उन पर, हमने ईमान लाया उन पर, उन्होंने कहा कि अल्लाह के लिए छोटे बनेंगे तो अल्लाह ऊंचा उठाएगा,
देखिए ये बात है जो हमें जिंदगी में अमल करनी है। हो सकता है किसी के साथ आपका मामला अभी हो, जहां लोग होते हैं ना गुरूर और घमंड में आ जाए, बोले मैं छोटा बनूंगा, अरे तो वो सब गुरूर को तोड़ना है। अगर हम अल्लाह के लिए तोड़ेंगे, छोटे बनेंगे, तो अल्लाह ताला हमें ऊंचा उठाएगा, बड़ा बनाएगा, है ना। बहुत प्यारी बात है। चलिए आखिरी दो पॉइंट। कई लोग हैं जो ये नौ खाई से बच जाते हैं, हो सकता है दसवीं खाई में जाके गिर जाते हैं। और वो क्या है? इल्म हासिल किए, उस पर अमल करना। इल्म तो सीख लिए, हो सकता है पहला पॉइंट क्या थी, क्या था? नियत। नंबर दो, हाँ, हासिल करने में एहतियात। नंबर तीन, कोशिश, मुजाहिदा, स्ट्रगल। नंबर चार, अलहम फल मुहिम। हाँ, नंबर पांच, दर्जा बदर्जा, स्टेप बाय स्टेप। नंबर छह, इनको पहुंचाना। नंबर सात, पहुंचाने में एहतियात। हाँ, नंबर आठ, ज्यादा की तलब, तलब ज्यादा, ज्यादा की तलब, लालच। हाँ, इंशाल्लाह। नंबर नौ, तवाज़ो, हम्बलनेस, ह्यूमिलिटी, अपने आप को छोटा रखना अल्लाह के लिए। हो गए। अब कई लोग, हो सकता है नौ चीज कर लिए हो, अगर वो अमल ना करे तो फिर से खाई में गिर गए। हाँ, नंबर दस, तो किसी ने कितनी प्यारी बात कही है, स्कॉलर्स में से किसी ने कितनी अच्छी बात कही है, वो कहते हैं कि इल्म अमल के दरवाजे पर दस्तक देता है। अगर अमल दरवाजा खोलता है तो इल्म रहता है, नहीं तो इल्म चला जाता है। और अमल इखलास के दरवाजे पे दस्तक देता है। अगर इखलास दरवाजा खोलता है तो अमल रहता है, नहीं तो अमल चले जाता है। मेरे भाइयों, इल्म महफूज करने का बेहतरीन तरीका है उस पर अमल करना। कोई चीज सीखे, अगर अमल करने लगेंगे तो जिंदगी भर आपके साथ रहेगा। मिसाल के तौर पर कोई दुआ हम सीख रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? पढ़ते रहो। कोई अच्छी चीज सीख रहे हैं उसके बारे में सोचो, उसे अपनी सोच का हिस्सा बनाओ, उसे लोगों को बताओ, हमेशा आपके पास रहेगा। तो इल्म और अमल का ताल्लुक है। और हम देखते हैं कि कयामत के दिन सवालात पूछे जाएंगे आदम की औलाद को। पांच सवाल दिए हुए हैं और उसमें पांचवा सवाल क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तज़ूलु क़दमु इब्नि आदम यौम अल-क़ियामा मिन इंदी रब्बी हत्ता युसअलु अन ख़म्स। आदम की औलाद कयामत के दिन पांव हिला नहीं पाएगा अपने रब के आगे, यहां तक आके पांच सवालों के जवाब ना दे दे। और पांच सवालों में पांचवा सवाल है, माज़ा अमीला फीमा अलीमा, जो तुम्हारे पास इल्म था उस पर अमल कितना किए। वफी रिवायत, एक रिवायत में है, वान इल्मी ही फीमा फाला, इल्म जो था उसके ऊपर अमल क्या किए तुमने। तो जो मालूम था तुम्हें, तुम्हें मालूम था उस पर अमल कितना किए। तो मेरे भाइयों, अमल के ताल्लुक से हम देख रहे हैं कि एक सवाल है कयामत के दिन का, पांचवा सवाल क्या है, जो मालूम था उस पर अमल कितना किए। तुम्हें तो पता था कि इल्म हासिल करना फर्ज है, क्या किए। तुम्हें तो पता था कि नमाज पांचों वक्त फर्ज है, क्या किए। भाई, हमारी कंट्री में बहुत से लोग समझते हैं कि जुमा जुमा नमाज पढ़ना फर्ज है, पांच वक्त नमाज पढ़ा तो बहुत अच्छा आदमी, बोले समझते हैं ऐसे मुस्तहब है, लेकिन जुमा जुमा फर्ज। हाँ, लेकिन सही बात क्या है? पांचों वक्त पढ़ना फर्ज है। हाँ, और एक्स्ट्रा नवाफिल पढ़ रहा है तो चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पांचों वक्त फर्ज है नमाज। तो जो पता था, माजा अमीला फीमा अलीमा, तुम्हें तो पता था सूद खाना हराम है, फिर सूद का काम क्यों किए। तुम्हें तो पता है कि नजरों की के ताल्लुक से हिसाब देना है, हाँ, फिर तुमने नजर का गलत इस्तेमाल क्यों किया। मादा अमीला फीमा अलीमा, जो तुम्हें पता था उस पर तुमने अमल कितना किए, पांचवा सवाल। तो हम देख रहे हैं कि दसवीं खाई ये है कि कोई शख्स इस पर अमल ना करे। और ग्यारहवीं खाई, और वो ये है कि इतना सब कर रहे हो, नंबर वन अच्छी नीयत के साथ, हाँ अच्छी नीयत के साथ, नंबर दो हासिल करने के एहतियात के साथ, नंबर तीन हाँ कोशिश, मुजाहिदा, स्ट्रगल, नंबर चार अलहम फल मुहिम, नंबर पांच दर्जा बदरजा, नंबर छह इल्म को पहुंचाना, हाँ नंबर सात एहतियात करना पहुंचाने में, नंबर आठ तलब ज्यादा, ज्यादा की तलब, हाँ नंबर दो नौ तवाजो, नंबर दस अमल। लेकिन ग्यारहवां पॉइंट ये है, इतना सब कर रहे हो, अंदर कुछ हो रहा है? तकवा महसूस हो रहा है? तकवा महसूस होना चाहिए, तकवा हासिल होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में सूरह फातिर सूरह 35 आयत नंबर 28 में फरमाया,
انما یخش اللہ من عباده العلماء, یقیناً اللہ سے ڈرنے والے اللہ کے بندوں میں علم والے ہوتے ہیں. یقیناً اللہ سے ڈرنے والے اللہ کے بندوں میں علم والے ہوتے ہیں. جو علم اللہ کو خوش کرنے کے لیے حاصل کیا جائے اس سے تقویٰ بھی پیدا ہوتا ہے, اس سے اللہ کا ڈر بھی آتا ہے. اگر نہیں آ رہا ہے تو کچھ تو پرابلم ہے. جو علم صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے حاصل کیا گیا اس سے آٹومیٹک رزلٹ ہے کہ تقویٰ آتا ہے. قرآن کی آیت ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, لو تعلمون ما اعلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم جانتے جو میں جانتا ہوں, لضحکتم قلیل ولا بکیتم کثیر, بہت کم ہنستے تم لوگ اور بہت زیادہ روتے. ہاں, تو جو علم عمل کے لیے حاصل کیا جائے, جو علم اللہ کی رضا کے لیے حاصل کیا جائے, اسے دل میں ڈر تقویٰ خشوع آنا ہے, آتا ہے. تو میرے بھائیوں یہ ہو گیا.